हे गाइज, कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया होने वाला है, ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया होने वाला है जिसमें कि आपको बनाना कुछ भी नहीं है भाई, बस मार्केट से रॉ मटेरियल लेना है, फ्राई करना है, मार्केट में सेल कर देना है। मतलब सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है। क्या होने वाला है सारा चीज़ हम जानेंगे। अभी आपके सामने में काफ़ी सारे रॉ मटेरियल दिख रहे होंगे, जहाँ पे कटोरी आपको मिल जाता है, ABCD मिल जाता है, चाउमीन मिल जाता है, पास्ता मिल जाता है। ये सारे रॉ मटेरियल ना आपको मार्केट से मिल जाते हैं। हालांकि अगर आपको मार्केट में कहीं ऐसा लगता है कि भाई नहीं मिलेगा, तो आप जहां से मशीन परचेज कर रहे हैं, यानी कि रॉयल फूड एंड प्रोसेसिंग से जब आप जुड़ते हैं ना, तो आपको सारे रॉ मटेरियल आपको यहां से भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। काफ़ी आसान सा बिजनेस होने वाला है, मतलब बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। सारा स्टेप हम जानेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे पैक करना है, कैसे बेचना होता है, क्या प्रोसेस होता है, सारा चीज़ हम जानने वाले हैं भाई। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अभी आपको दिख रहा है ना, जो कटोरी आप देख रहे होंगे या फिर चाउमीन देख रहे होंगे, पास्ता देख रहे होंगे, ABCD बोल रहे होंगे, इसको अलग अलग तरह के मतलब 10-12 प्रकार के ये फ्रेम्स आते रहते हैं जो कि मार्केट में आपको मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है ना, इसको सिंपल सा फ्राई करना है। अब फ्राई करने के लिए क्या करना होगा भाई, यहाँ पे आपको गैस वाला फ्रायर अभी हम दिखाने वाले हैं, लेकिन अगर आप चाहो ना तो मार्केट्स में आपको मिल जाते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्रायर आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्रायर भी चलते हैं, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्रायर भी ले सकते हैं। गैस वाला जो आपको अभी हम सामने फ्रायर दिखा रहे हैं, ये भी आप ले सकते हैं। और ये जो फ्रायर है, ये SS मटेरियल से बना हुआ होता है। SS मटेरियल मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। तो ये SS मटेरियल से बना होता है, जिसके कारण इसका लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता भी है और काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है भाई। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फ्रायर लेते हैं तो स्टेनलेस स्टील से बने होने के कारण भाई इलेक्ट्रिक झटका वगैरह का भी डर नहीं रहता है। सेकेंड चीज़ क्या होता है भाई, कि सिंगल फेस से भी चलता है, तो भाई आप अगर घर की बिजली से भी चलाना चाहते हैं तो भी आप आसानी से चला सकते हैं। सारी जानकारी हम वीडियो में आगे जानेंगे भाई, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि जैसे ही आप इसे फ्राई करते हो तो आप देख रहे होंगे जो इसका फ्रायर है, फ्रायर में यहाँ पे आपको नेट लगा हुआ मिल जाता है। मतलब आप अपने मटेरियल को फ्राई करते हैं, जैसे ही आपको उठा के निकालते हैं ना, तो भाई उसमें क्या है कि आपका जो भी ऑयल है, लगभग 95% मतलब ऑयल जो आपका होता है कढ़ाई में रह जाता है। बाकी 5% के आसपास जो ऑयल आपका साथ में जो आ जाता है, उसे भी निकालने के तरीका आपको हम बताने वाले हैं। तो ये तो फ्रायर की बात हो गई, फ्रायर आप देख लिए कि कैसे आपको मिलता है। सेकेंड चीज़, अगर इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो एक बार में लगभग आप 1 से 1.5 kg, 2 kg के आसपास रॉ मटेरियल जो होता है आप इसे फ्राई कर सकते हैं, और 2 से 3 मिनट में आसानी से फ्राई हो जाता है। मतलब आपका ऑयल कितना हीट है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होते रहता है। अब क्या है भाई, कि जब आप देख रहे होंगे तो इसमें जो मटेरियल अपना बन के रेडी हुआ है, इसमें जो ऑयल है थोड़ा सा हाथ में लग रहा है। मतलब जब हाथ में लेके आप देखेंगे तो हाथ में लगता है, तो ऐसे में अगर आप पैक करते हैं तो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा कि जो ऑयल है उसे निकालना पड़ेगा। उसके लिए अपने पास आता है जो आपको दिख रहा है, ये ऑयल ड्रायर मशीन हम लोग इसको बोलते हैं, जिसको ड्रायर मशीन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है। अगर आपको लगभग 1-2 kg का लोड रेडी करना है तो उसके लिए आपको 1/2 HP का मोटर वाला चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपको एक बार में यूज करना है तो आप 1 HP का मोटर का आप ले सकते हैं। ये भी बिल्कुल सिंगल फेस से चलने वाला है, मतलब घर की बिजली से आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसे जो क्या होता है भाई, कि जो भी आपने मटेरियल जो फ्राई किया था आप इसमें डाल देंगे, जब भी 5% 3% के आसपास जो भी ऑयल बचे हुए हैं वो सारे ऑयल इसमें से ड्राई हो जाते हैं, मतलब ये नली के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। जब आप देखेंगे भाई कि बिल्कुल ही सारा ऑयल निकल चुका है, यानी कि ऑयल निकलना बंद हो चुका है, तो इसी में आपको एक हैंडल दिख रहा होगा जिसे हम ब्रेक बोल सकते हैं, उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये जो राउंड हो रहा है ये बिल्कुल ही रुक जाता है। मतलब आप यहाँ से भी इसे निकाल सकते हैं। अब क्या है जो थर्ड स्टेप अपना होने वाला है, फर्स्ट में तो हमने भाई रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसे हमने फ्राई किया, फिर हमने ड्राई किया। अब जो मेरा अगला स्टेप होने वाला है वो होता है इसमें मसाला मिक्स करने का, क्योंकि भाई इसमें चटाकेदार फ्लेवर लाने के लिए और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया खाने में, चटाकेदार टेस्ट है, इसके लिए इसमें क्या करते हैं हम कि मसाला मिक्स करते हैं, यानी कि फ्लेवर ऐड करते हैं। अब फ्लेवर ऐड करने के लिए आपको क्या, जो बड़ा सा ड्रम से आपका बॉक्स आपको दिख रहा होगा, जो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं हांडा दिख रहा होगा, ये मिक्सर मशीन होता है। ये भी आपका SS मटेरियल से बना हुआ होता है या फिर MS, आपको दोनों में से कोई भी लेना चाहिए, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है भाई, आप दोनों ले सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होता है आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो भी मसाला हम मिक्स करेंगे तो हमेशा हम मेजर करके मिक्स करेंगे, जो भी अपना होता है मेजरमेंट कर लेंगे कितना केजी का लॉट हम रेडी कर रहे हैं। हम आपको अप्रॉक्स में अगर बता के चलते हैं कि लगभग अगर आप 5 kg का लॉट रेडी करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि 500 ग्राम आपको मसाला होना चाहिए 5 kg के लॉट में। तो इस हिसाब से आप अपना जो भी काम करते हैं उस समय आपको पता चल जाएगा। सेकेंड चीज़ आपको बता दें कि आपको यहाँ से ट्रेनर जो है ना बिल्कुल फ्री मिलते हैं, जो आपको सारी ट्रेनिंग देते हैं, आपको बनाना कैसे है, मसाला कैसे मिक्स करना है, कितना ग्राम मसाला मिक्स करेंगे जो कि टेस्ट हमेशा बराबर रहेगा, कैसे हमको बनाना होता है, सारा स्टेप आपको यहाँ से बताया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब 1 रुपये उसमें आपको खर्च नहीं करने पड़ते हैं। हमने भाई मसाला भी मिक्स कर लिया,
अब क्या है, मार्केट में सेल करने के लिए भाई हमें चाहिए होता है पाउच पैकेजिंग मशीन, जिसमें 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जितने ग्राम का भी आपको पैकेट रेडी करना है आप पैकेट रेडी कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करते हैं पाउच पैकिंग मशीन का, तो ये भी अपने पास दो ऑप्शन में आते हैं। एक आपको कप पिलर दिख रहा होगा, एक मल्टी हेड होता है, मतलब दो ऑप्शन आते हैं। कप पिलर का क्या है भाई कि थोड़ा सा सस्ता होता है, मल्टी हेड जो होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है। मतलब अगर आपके पास बजट का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल बजट लगा सकते हैं, 8-10 लाख रुपये लगा सकते हैं, तो आप मल्टी हेड ले सकते हैं। आपका बजट बिल्कुल 3-4 लाख रुपये के आसपास का है, तो भाई आप कप पिलर ले सकते हैं। मतलब लो बजट वाले जितने भी भाई लोग हैं जो प्लांट लगाना चाहते हैं, वो कप पिलर लेके काम कर सकते हैं, आसानी से मार्केट में आप इसे सेल आउट कर सकते हो। अगर भाई आपने टेस्ट को मेंटेन रखा, आपने क्वालिटी को मेंटेन रखा, तो मार्केट में भाई अच्छा खासा इसका डिमांड होता है। और ये तो भाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी जब मार्केट में जाते हैं तो आपको भी पता होगा कि जो फ्रेम्स का डिमांड होने वाला है कितना होने वाला है भाई। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑन स्क्रीन पे शोरूम का नंबर चल रहा है, कंपनी का नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके किसी प्रकार के डाउट होती है, कोई भी जानकारी लेनी होती है, फटाफट जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको हम ये भी बताने चलते हैं ना भाई कि अगर आपको लाइव डेमो लेना है तो आपको आना पड़ेगा रॉयल फूड एंड प्रोसेसिंग मशीन, जो कि नोएडा सेक्टर 10 की कंपनी होने वाली है। आप आइए लाइव डेमो लीजिए, विजिट कीजिए भाई, जो भी डाउट है डाउट क्लियर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए प्रोडक्ट के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।